हेलो एवरीवन आज हम आपको लार्ज कैप कैटेगरी के दो बहुत ही अच्छे फंड्स का कंपैरिजन देंगे जो है आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड वर्सेस मिराई एसेट लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड दोनों ही बहुत ही अच्छे फंड्स हैं फंड तो आज हम आपको इन दोनों फंड्स का एक डिटेल कंपैरिजन देंगे ताकि आप अपने लिए कोई अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकें प्लस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा फेवरेट फंड कौन सा है पहले कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं इंडिया की टॉप हंड्रेड कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी में आती है और इस तरह के जो फंड्स हैं वो टॉप हंड्रेड कंपनीज़ में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो काफ़ी स्टेबल होती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के सो so, अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है और आप शॉर्ट टर्म तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको लार्ज कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी थोड़ी सी रिस्की और वॉलेटाइल होती है कंपेरेटिवली लार्ज कैप के मैं जीत सहरा तो आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ हम इस चैनल पे रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सो so, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तो कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम्स हैं एक आई पोटेंशियल सी ए कंपनी की है जबकि दूसरी मिराई एसेट ए कंपनी की है दोनों ही फंड की जो स्टार्ट डेट है वो जनवरी 2013 है बेंचमार्क दोनों ही फंड का निफ्टी 100 टी है ए यूएम आई सी सी पोटेंशियल का थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी एट करोड़ है जबकि मेरा एसेट लार्ज कैप का थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन करोड़ है एक्सपेंस रेशियो आई सी सी पोटेंशियल का वन पॉइंट जीरो फोर परसेंट है जबकि मेरा एसेट लार्ज कैप का जीरो पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट है कोई एंट्री लोड दोनों ही फंड्स में नहीं है एग्जिट लोड वन परसेंट अगर आप एक साल से पहले पैसे को विद्रॉ करते हैं तो मिनिमम एस आई पी इन्वेस्टमेंट आई सी सी पोटेंशियल में हंड्रेड रुपीज़ है और मिनिमम लमसम भी हंड्रेड रुपीज़ है जबकि मिराए एसेट लार्ज कैप में मिनिमम एस आई पी थाउजेंड रुपीज़ है और मिनिमम लमसम फाइव थाउजेंड रुपीज़ है सो so अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या कोई कम अर्निंग वाले पर्सन है तो आप मिनिमम हंड्रेड रुपीज़ से और फाइव हंड्रेड रुपीज़ तक भी आप आई सी सी पोटेंशियल में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं दोनों फंड्स के रिटर्न का कंपैरिजन करें तो आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप ने लास्ट वन ईयर में करीब 20.03 परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि मिराई एसेट लार्ज के आपने करीब 18.28 परसेंट का रिटर्न दिया है लास्ट फाइव ईयर्स में आईसीसी पोटेंशियल ने 14.46 परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि मिराय एसेट लार्ज के आपने 15.53 परसेंट का रिटर्न दिया है और जब से आई पोटेंशियल ब्लू चिप स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 15.39 परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि मरा एसेट लार्ज कैप ने 17.44 परसेंट का रिटर्न दिया है सो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में मराय एसेट लार्ज कैप ने आई सी आई को ईजीली बीट किया है लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आपने आज से एक साल पहले आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप में टेन थाउजेंड रुपीज़ ऐसे लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू ट्वेल्व थाउजेंड एंड फिफ्टीन रुपीज़ होती जबकि मेरा एसेट लार्ज कैप में एलन होती अगर आपने आई सी सी ब्लूचिप में टेन थाउजेंड रुपीज़ एज़ ए लम सम फाइव ईयर्स पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन रुपीज़ होती जबकि मेरा एसेट लार्ज कैप में ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी सिक्स रुपीज़ होती सो so, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब इस फंड में अगर आई सी सी ब्लू चिप में टेन थाउजेंड रुपीज़ एज़ ए लम इन्वेस्टमेंट होती तो आज उसकी वैल्यू थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर रुपीज़ होती जबकि मेरा एसेट लार्ज कैप में फोर्टी फोर थाउजेंड एंड थर्टी सेवन रुपीज होती दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो की बात करें तो आई सी सी पोडेंशियल ब्लूचिप में इक्विटी होल्डिंग करीब नाइन्टी फोर पॉइंट सेवन सेवन परसेंट की है डेट में जीरो पॉइंट फोर थ्री परसेंट की और अदर्स में फोर पॉइंट एट वन परसेंट की होल्डिंग्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन इस फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्ट सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स वन परसेंट की है मिड कैप में 5.71 की जीरो पॉइंट फोर वन परसेंट की इन्वेस्टमेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 68 है आईसी पोटेंशियल ब्लू चिप फंड में मिराय एसेट लार्ज कैप के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 98.74 परसेंट की है और अदर्स में 1.26 मार्केट कैपिटलाइजेशन मिराय एसेट लार्ज कैप में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 68.98 परसेंट है मिड कैप में 12.4 परसेंट की और स्मॉल कैप में 3.46 परसेंट की इन्वेस्टमेंट है और इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 61 वन है सो so आप देख सकते हैं कि मेरा एसेट लार्ज कैप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न को बूस्टअप करने के लिए टॉप टेन होल्डिंग्स की बात करें तो आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप में आई बैंक में करीब 9.73 परसेंट की इन्वेस्टमेंट एच बैंक में 7.69 परसेंट की इन्फोसिस में 6.79 परसेंट की एक्सिस बैंक में 5.30 परसेंट की एलएनटी में 5.09 परसेंट एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है मेरा एसेट लार्ज क्या टॉप टन होल्डिंग्स की बात करें तो इन्फोसिस में करीब नाइन पॉइंट की एच बैंक में एट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फोर की एल में टू पॉइंट की इन्वेस्टमेंट है सेक्टर्स की बात करें तो आईसीसी सी पोडेंशियल ब्लू चिप में फाइनेंशियल्स में करीब 31.39 परसेंट की इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में 12.35 परसेंट की एनर्जी में 10.47 परसेंट की ऑटोमोबाइल्स में 7.48 परसेंट की हेल्थ केयर में 6.22 परसेंट की इन्वेस्टमेंट है मेरा एसेट लार्ज कैप के टॉप फाइव सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में करीब 31.4 परसेंट की टेक्नोलॉजी में 16.07 परसेंट एनर्जी में 8.66 परसेंट हेल्थ केयर में 6.68, पॉइंट सिक्स ऑटोमोबाइल्स में 5.52 परसेंट एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है सो so आप देख सकते हैं कि दोनों ही फंड्स की मेजर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी में ही है फंड मैनेजर्स की बात करें तो एसेट लार्ज कैप को दो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं पहले हैं मिस्टर गौरव मिश्रा जिनको करीब तेईस साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव करोड़ का एयूएम मैनेज करते हैं दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर गौरव खंडेलवाल जी जो करीब तीन स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी एट करोड़ का एयूएम मैनेज करते हैं आईसी पोटेंशियल के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसको तीन फंड्स मैनेजर मैनेज करते हैं सबसे पहले फंड मैनेजर है मिस्टर अनिश मिस्टर अनिश तवा क्ले जी जिनको करीब तेईस साल का एक्सपीरियंस है और नौ स्कीम्स को मैनेज करते हैं और ए करीब थर्टी करोड़ का ए मैनेज करते हैं दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर वैभव दुषा जी जो करीब सात स्कीम्स को मैनेज करते हैं और ए करीब थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड टेन करोड़ का ए मैनेज करते हैं तीसरे फंड मैनेजर है मिस्टर रजत चंदक जी जिनको करीब आठ साल का एक्सपीरियंस और ये आठ स्कीम्स को मैनेज करते हैं और ए यू एम करीब फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एलेवन करोड़ का ए यू एम मैनेज करते हैं सो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं रेटिंग्स की बात करें दोनों ही फंड्स को थ्री स्टार्स की रेटिंग मिली हुई है क्रिसिल रैंकिंग जो कि एक बहुत ही फेमस है म्यूचुअल फंड में दोनों ही फंड्स को इस रैंकिंग एजेंसी ने थ्री स्टार की रेटिंग दी है दोनों ही फंड्स के रिस्क रेशो की बात करें तो आईसीसी पोटेंशियल का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.72 है जबकि मिरा एसेट लार्ज कैप का 21.26 है और कैटेगरी एवरेज 19.27 है जिस भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होता है वह फंड ज़्यादा रिस्की और वॉलेटाइल माना जाता है सो so, यहाँ पे मेरा एसेट लार्ज कैप का हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है बीटा आईसीसी पोटेंशियल का 0.92 है मेरा एसेट लार्ज कैप का 0.97 है और कैटेगरी एवरेज बीटा की 0.86 है बीटा भी यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्क ले रहा है कितना हाई वॉलेटाइल है और जो भी फंड एक जिस भी फंड का बीटा एक या उससे ज़्यादा होता है वह फंड काफी रिस्की और वोलेटाइल माना जाता है और यहाँ पे भी यहाँ पे भी बीटा मेरा एसेट लार्ज कैप का ज़्यादा है कम्पेरेटिवली आईसीसी पोटेंशियल के शार्प रेशो की बात करें तो आईसीसी पोटेंशियल का शार्प रेशो 0.7 है जबकि मिराई एसेट लार्ज कैप का 0.66 है शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है शार्प रेशो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है सो so, अल्फा आई पोटेंशियल का वन है जबकि मराई एसेट लार्ज कैप का जीरो माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव है और कैटेगरी एवरेज 0.53 है। फाइव ये बताता है कि कोई फंड अपने इंडेक्स से ज्यादा कितने एक्स्ट्रा रिटर्न देता है रि, रिस्क को एडजस्ट करके और यहाँ पे आईसीसी पोटेंशियल का जो रिस्क रेशो है वो काफी अच्छा है कंपेरेटिवली मेरा है एसेट लार्ज कैप के सो जैसे कि हमने बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि हमारा फेवरेट फंड कौन सा है दोनों ही अच्छे फंड्स लग रहे हैं बट बर... अगर दोनों में एक को चूज़ करना हो तो हमारा फेवरेट फंड आई पोटेंशियल सी ब्लू चिप फंड होगा रिस्क रेशो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा आई पोटेंशियल सी ब्लू चिप का हायर साइड पे है तो so ये था कम्पेरिजन आई सी सी पोडेंशियल ब्लू चिप फंड का वर्सेज मेरा एसेट लार्ज कैप फंड का लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं सो so प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग